Press the bell icon to never miss a video from testbook.com. नमस्कार दोस्तों एंड वेलकम टू दिस वीडियो. आज का वीडियो हमारा होगा पीरियोडिक टेबल के एफ ब्लॉक को याद करने के लिए जरूरी निमोनिक ट्रिक्स. पिछले वीडियोस में हमने एस ब्लॉक के लिए, पी ब्लॉक के लिए और डी ब्लॉक के लिए निमोनिक ट्रिक्स दिए थे, जिससे आप पीरियोडिक टेबल के एस ब्लॉक, पी ब्लॉक और डी ब्लॉक को याद कर सकते थे. आज के वीडियो में हम फाइनल यानी कि आखिरी ब्लॉक जो है एफ ब्लॉक, उसको याद करेंगे. एफ ब्लॉक के दो हिस्से होते हैं, लैंथेनाइड्स और एक्टिनाइड्स. तो हम लैंथेनाइड्स और एक्टिनाइड्स दोनों को याद करेंगे और फिर आपका पूरा का पूरा पीरियोडिक टेबल आपको याद हो जाएगा. अगर आपने प्रीवियस वीडियोस नहीं देखे हैं तो प्रीवियस वीडियोस जाके आप जरूर देखें, उसकी लिंक्स आपको आई बटन पे जरूर मिल जाएगी. ठीक है, तो आइए बढ़ते हैं. सबसे पहले हम बात करेंगे कि एफ ब्लॉक होता कहाँ है. तो जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, पीरियोडिक टेबल का जो एफ ब्लॉक होता है वो सबसे नीचे होता है. यहाँ पुराने वीडियोस में हमने एस ब्लॉक को, डी ब्लॉक को और पी ब्लॉक को कवर किया था. आज हम पीरियोडिक टेबल के एफ ब्लॉक को कवर करेंगे. जो सबसे ऊपर वाला हिस्सा होता है वो लैंथेनाइड्स होते हैं और नीचे वाला हिस्सा होता है वो एक्टिनाइड्स होते हैं. ठीक है, तो हम लैंथेनाइड्स को भी तीन पार्ट्स में यानी कि तीन ट्रिक्स में और एक्टिनाइड्स को भी तीन ट्रिक्स में याद करेंगे. तो सबसे पहले हम बात करेंगे लैंथेनाइड्स के फर्स्ट ट्रिक की यानी कि पार्ट वन. तो लैंथेनाइड्स के पहले पांच एलिमेंट्स को हम याद करेंगे. लैंथेनाइड्स के पहले पांच एलिमेंट्स कौन से हैं? सीरियम, प्रेस्यूडाइमियम, नियोडाइमियम, प्रोमिथियम और सेमरियम. ठीक है, तो इसे याद करने के लिए ट्रिक ऐसी है. सलीना और प्रीति ने पम्मी और सिम्मी को मारा. क्या किया? सलीना और प्रीति ने, यह है पम्मी और यह है सिम्मी, उनको मारा है. ठीक है, तो उसमें से जो सलीना का सी है वो हो गया सीरियम. उसके बाद प्रीति का प्र है वो प्रेस्यूडाइमियम. फिर ने का जो ने है, प्रीति ने का ने, उसके लिए हम नियोडाइमियम को याद करेंगे. और पम्मी का पम वो है प्रोमिथियम के लिए. सिमी का सी है समारिटियम के लिए. ठीक है, सलीना और प्रीति ने पम्मी और सिमी को मारा. ठीक है, अगले स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं. ये होगा हमारा लैंथेनाइड्स का पार्ट टू. इसमें हम आने वाले पांच एलिमेंट्स के बारे में याद करेंगे. कौन से एलिमेंट्स हैं? यूरोपियम, गैडोलिनियम, टर्बियम, डाइस्पोर्सियम और होल्मियम. ठीक है, तो ये पांच एलिमेंट्स को कैसे याद करेंगे हम? यूरोप गया तो टीबी और डायबिटीज हो गया. ठीक है, कोई यूरोप गया था, यूरोप गया तो टीबी और डायबिटीज हो गया. क्या हुआ उसको? यूरोप गया तो टीबी और डायबिटीज हो गया. तो यूरोप का ईयू जो है वो यूरोपियम के लिए, गया का जी जो है वो गैडोलिनियम के लिए, टीबी का टीबी जो है वो टर्बियम के लिए, डायबिटीज का डी डाइस्पोर्सियम के लिए, और हो गया का हो जो है वो होल्मियम के लिए. ठीक है, यूरोप गया तो टीबी और डायबिटीज हो गया, यूरोप गया तो टीबी और डायबिटीज हो गया. ठीक है, तो इसको आप इमेजेस के फॉर्म में याद करें तो सेंटेंस भी याद हो जाएगा और फिर एलिमेंट्स भी याद हो जाएंगे. अगले वाले उसमें जाते हैं जो लैंथेनाइड्स के आखिरी पार्ट है, पार्ट थ्री. तो ये तीनों सेंटेंसेस को आप याद कर दोगे तो सारे के सारे आपके लैंथेनाइड्स याद हो जाएंगे. तो ये हमारे लास्ट चार एलिमेंट्स हैं लैंथेनाइड्स के, जिसको हमने पार्ट थ्री में रखा हुआ है. कौन से एलिमेंट्स हैं? अर्बियम, थूलियम, टर्बियम, ल्यूटेटियम. ठीक है, तो सेंटेंस क्या है हमारा? अरे देख टमाटर येल्लो और ब्लू है. क्या है? अरे देख टमाटर येल्लो और ब्लू है. वो कह रहा है कि अरे देख टमाटर जो है वो येल्लो भी है और ब्लू भी है. तो इसमें से कैसे हम उसको याद करने वाले हैं? अर्बियम का अर, टमाटर का टम जो है वो थूलियम के लिए, येल्लो का वाई है दैट इज फॉर यूटर्बियम, उसके बाद जो ब्लू है, ब्लू का एल यू जो है, ब्लू के अंदर का लू, दैट इज फॉर ल्यूटेटियम. ठीक है, अर्बियम, थूलियम, यूटर्बियम और ल्यूबियम. ठीक है, अरे देख टमाटर येल्लो और ब्लू हैं. ठीक है, तो ये हमारे हुए लैंथेनाइड्स कंप्लीट. अब हम जाते हैं एक्टिनाइड्स की तरफ. ठीक है, तो हमारे लैंथेनाइड्स कंप्लीट हो गए हैं. तीन सेंटेंस में हमने लैंथेनाइड्स को कंप्लीट कर लिया. अब हम याद करेंगे एक्टिनाइड्स को, वो भी तीन सेंटेंसेस के साथ. ठीक है, तो एक्टिनाइड्स के पार्ट वन में कौन से एलिमेंट्स हैं? चार एलिमेंट्स, थोरियम, प्रोटेक्टिनियम, यूरेनियम और नेपच्यूनियम. ठीक है, तो सेंटेंस क्या है हमारा? थक गए पागल उधर नो प्रॉब्लम. ठीक है, क्या है? थक गए पागल उधर नो प्रॉब्लम. जो पागल लोग थे थक गए हैं, थक गए पागल नो प्रॉब्लम. ठीक है, तो थक गए का टी एच, थक,
गए पागल, पागल जो है वो प्रोटैक्टिनियम के लिए, फिर उधर का यू दैट इज फॉर यूरेनियम, और नेप्टूनियम के लिए नो प्रॉब्लम, ठीक है, नेप्टूनियम, ठीक है, थक गए पागल उधर नो प्रॉब्लम, थोरियम, प्रोटैक्टिनियम, यूरेनियम और नेप्टूनियम, ठीक है, एनपी नो प्रॉब्लम, थक गए पागल, क्या है, थक गए पागल और नो प्रॉब्लम। तो हमारे एक सेंटेंस में चार एलिमेंट्स आ गए हैं। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट एक्टिनाइड्स के नेक्स्ट पार्ट पे आने वाले चार एलिमेंट्स। अब क्या है यहाँ पे सेंटेंस है हमारा, पुराने आम कम बिकेंगे। तो इसमें कौन से एलिमेंट्स आते हैं हमारे एक्टिनाइड्स के पार्ट टू में, जो चार एलिमेंट्स है वो है प्लूटोनियम, अमेरिसियम, कुरियम और बर्केलियम, ठीक है। तो इसमें सेंटेंस हमारा क्या था, पुराने आम कम बिकेंगे। तो पुराने का पी यू जो है वो प्लूटोनियम के लिए, आम, आम फॉर अमेरिसियम, फिर कम बिकेंगे का सी एम है दैट इज फॉर कुरियम, और बिकेंगे का बी के दैट इज फॉर बर्केलियम। पुराने आम कम बिकेंगे, क्या है, पुराने आम कम बिकेंगे। तो कौन से एलिमेंट्स हो गए, प्लूटोनियम, अमेरिसियम, कुरियम और बर्केलियम, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं फाइनल चार एलिमेंट्स एक्टिनाइड्स में से। हमारा सेंटेंस क्या है, इतनी फैमिली आमदनी में नो लड़की राजी। अब क्या है, एक बंदे को शादी करनी है लेकिन उसकी फैमिली की आमदनी कम है, तो कोई लड़की शादी के लिए राजी ही नहीं हो रही। सेंटेंस में हमें एलिमेंट्स कौन से डालने हैं, फर्मियम, मेंडलेवियम, नोबिलियम और लोरेंशियम, ठीक है, कौन से हैं, फर्मियम, मेंडलेवियम, नोबिलियम और लोरेंशियम। तो सेंटेंस में हम एलिमेंट्स कैसे डाल रहे हैं, इतनी फैमिली का एफ एम है दैट इज फॉर फर्मियम, कम आमदनी का एम डी, आमदनी का बीच का एम डी जो है आमदनी, तो एम डी दैट इज फॉर मेंडलेवियम, उसके बाद का नो लड़की, तो नो जो है दैट इज फॉर नोबिलियम, और लड़की एल और राजी आर, उसके लिए एल आर जो है दैट इज फॉर लोरेंशियम। क्या है, इतनी फैमिली आमदनी में नो लड़की राजी, ठीक है, इतनी फैमिली आमदनी में नो लड़की राजी। तो उसमें हमने कौन से एलिमेंट्स याद किए, फर्मियम, मेंडलेवियम, नोबिलियम और लोरेंशियम। इतनी फैमिली आमदनी, देखो कम दिख रही है उसको यहाँ, इतनी फैमिली आमदनी में नो लड़की राजी, तो ये लड़की राजी नहीं हो रही। तो ये थे हमारे सारे के सारे सेंटेंसेस, तीन सेंटेंसेस फॉर लैंथेनाइड्स और तीन सेंटेंसेस फॉर एक्टिनाइड्स, ठीक है। इससे आपका एफ ब्लॉक याद हो जाएगा, और पहले के जो वीडियोस थे जिसमें एस ब्लॉक, डी ब्लॉक, पी ब्लॉक, वो भी याद हो जाएगा। तो इस वीडियो के बाद आपका सारा का सारा पीरियोडिक टेबल आपको याद हो जाना चाहिए। मैं आशा करती हूँ कि आपने पुराने वीडियोस देखे होंगे, पुराने वीडियो ज़रूर देखें, जाकर के रिवाइज करें ये सेंटेंसेस। जितनी बारी आप रिवाइज करोगे उतनी बारी आपको सेंटेंसेस की प्रैक्टिस हो जाएगी और पीरियोडिक टेबल कम्प्लीटली याद हो जाएगा। आने वाले वीडियोस में हम पीरियोडिक टेबल के लिए अटोमिक नंबर्स को कैसे याद करेंगे उसका भी वीडियो लेकर आएंगे, तो उसके लिए बने रहे। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपने टेस्ट बुक के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें, इसी तरीके के और वीडियोस आपको टेस्ट बुक के यूट्यूब चैनल पर ज़रूर मिलेंगे। आपकी आने वाली सारी एग्जाम्स के लिए ऑल द बेस्ट। मैं आशा करती हूँ कि ये वाले वीडियोज़ जो आपने देखे हैं वो आपको आपके एग्जाम में आंसर करने के लिए बहुत काम आए। तो इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।